असल नाजरीन, मैं हूँ स्टार मेकर फिल्म डायरेक्टर जरार रजवीर। आजकल मीडिया पे शाही साहब का जो इंटरव्यू उनके साथ था, एक कामरान शाही साहब ने किया था, उसका बड़ा डिस्कस हो रहा है। लोग पता नहीं क्यों बात का पतंगड़ बना देते हैं। दही बात, अगर रानी बेगम के साथ उन्होंने काम करने से मना किया था तो वो अपने उस्ताद को इज्जत दे रहे थे, हसन तारिक साहब को। हसन तारिक ने चूंकि सही मानों में शाही साहब को बनाया और वो उस चीज़ से कुर्बानी दे रहे थे कि मेरे उस्ताद ने तलाक दे दी हीरोइन को, तो मैं भी इसके साथ काम भी नहीं करूँगा। रानी बेगम बाकायदा शाही साहब के घर भी गई हैं, अनारकली वाला जो जिला गुंबद वाला है, वहाँ शाही साहब से उन्होंने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा मैं मजबूर हूँ, मैं आप बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा, मगर मैं हसन तारिक साहब के साथ आपकी तलाक हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं चाहता आपके साथ काम करना, ये मजबूरी है। और फिर बाबर शरीफ का वाक्या हुआ। ठीक है, बाबर शरीफ शाही साहब दोनों को बहुत लाइक करते थे शादी में, मगर चंद दिनों में वो तलाक हो गई, क्योंकि वो शादी के बाद जब यहाँ बीवी होते हैं फिर उसका पता चलता है जहनी हमांगी है दोनों में, नहीं तो असल में जहनी हमांगी नहीं थी दोनों में। उसके बाद ना बाबरा बेगम ने कभी शाही साहब के बारे में कहीं डिस्कस की, ना शाही साहब बाबरा बेगम के बारे में कोई बात करते थे, कोई अगर बात करता था तो उसको मना करते थे। मगर इस इंटरव्यू में उन्होंने खुल के बात भी की और बाबरा बेगम की उन्होंने तारीफ की, कोई उन्होंने बुराई नहीं की। फिर एक उन पर इल्ज़ाम आए थे शाही साहब पर कि वो कब्रिस्तान में किसी एक्टर्स के साथ पकड़े गए, कभी किसी एक्टर। मैं ख्याल शाही साहब घर से नवाब थे, पहले दिन जब वो शूटिंग करने आए थे शानूर स्टूडियो में, नदीफ साहब थे, उनकी फिल्म थी, मेरा ख्याल एक शर्मिली लड़की थी, मेरा ख्याल या एक रात थी शायद, इस टाइप का कोई नाम। तो वो मर्सिडीज में आए थे, तो वो इतने गरीब तो नहीं थे कि किसी एक्टर्स के लिए वो कब्रिस्तान जाते, वो किसी अच्छे से होटल में जा सकते थे, उनके पास कोठियाँ महिला सब कुछ कुछ था। तो अब इस टाइप की बातें, वो उस वक्त एक मीडिया एक लॉबी थी फिल्म इंडस्ट्री में जो मीडिया के साथ मिलकर इनके खिलाफ मुहिम चलाती थी और इनके खिलाफ शाही साहब के खिलाफ ये बातें की जाती थी कि शाही साहब ने सेट तोड़ दिया। फिर सेट तोड़ने की कोई तो वजह हुई होगी ना, सेट ऐसे तो नहीं टूट जाते। तो बहरहाल इस टाइप के उनके खिलाफ बातें होती रहीं और आजकल सोशल मीडिया पे भी खिलाफ बातें हो रही हैं। फिर मोहम्मद अली साहब के बाद वहीद मुराद साहब की बातें, सही बात उनके साथ जो हुआ है वो बता रहे हैं ना, वरना इतने खुल के वो बातें क्यों करते हैं। सारी बातें उन्होंने सही की, मैं समझता हूँ, कोई बुरी नहीं की। हाँ, एक बात है कि अगर दिलीप साहब के बारे में नसीरुद्दीन शाह ने कोई बकवास की है तो आपको इतना जरूरत क्या करने की, वो क्योंकि इंडिया में सभी दिलीप साहब से अंदर से, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सभी अंदर से जेलिस थे दिलीप साहब के। मगर वो मैं समझता हूँ अल्लाह के अवतार थे, वो दुनिया में अगर कोई सा भी शोभा किसी भी जगह काम करते वो नंबर वन ही होते दिलीप साहब, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में होते या किसी और इदारे में होते। तो अल्लाह ने तो उनको इज्जत दी, तो नाम दिया, तो उसको कहना उनके खिलाफ बात करना, वो दारा सिंह हो या कोई भी एक्टर से मिलाना, वो नसीरुद्दीन शाह साहब की गलती है, नहीं चाहिए था। मगर शाही साहब को भी डिस्कस नहीं करना चाहिए था, वो चैप्टर इंडिया का है, वो ख़त्म हो गया। हम यहाँ हैं, हमने दिलीप साहब की राय बात है, उनकी पसंदाई के लिए तदित प्रोग्राम भी यहाँ लाहौर में हुए हैं, तो उनकी जो खिदमत है नो डाउट उसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में पैदा हुए, पेशावर में पैदा हुए, इंडिया में ठीक इंडिया ने बनाया और अल्लाह ने उनको इज्जत दी, तो पाक वहीनू वो बहुत बड़े अदाकार थे, नो डाउट उसमें कोई शक नहीं, और एकेडमी का दर्जा रखते हैं। मैं समझता हूँ एक एकेडमी है, उससे इंडिया और पाकिस्तान में पता नहीं कितने लोगों ने एक्टिंग सीखी है। और मैं समझता हूँ फिल्म चकोरी जो नदीम साहब की फिल्म थी, दिलीप साहब की दाग तराना, दो तीन जो फिल्में थी दीदार, उसकी लाइटिंग, उसके शॉट देख के एम अफजल कैमरा मैन साहब ने वो नदीम साहब को बिठा के उस तरह के शॉट लिए थे जिससे वो दिलीप कुमार लगे फिल्म में। मगर नदीम साहब ने अकलमंदी की कि चकोरी के बाद उन्होंने कोशिश की कि मैं अपने अंदाज में परफॉर्म करूँ, दिलीप कुमार ना लगूँ, और फिर उसमें वो कामयाब भी हो गए। उसके बाद वो पाकिस्तान के वो भी बहुत बड़े एक्टर साहब हुए। बहरहाल शाही साहब ने अच्छी बातें की, इतनी बुरी बातें नहीं की जिसमें मीडिया के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ये जब से ये मोबाइल आया है, फेसबुक इंटरनेट वगैरह, हर आदमी अपनी पब्लिसिटी करता है, तो किसी के ऊपर रख के यहाँ पब्लिसिटी करते हैं, सिर्फ अपनी शोहरत के लिए आप दूसरों को जलील करते हैं। ये ना करें, नेगेटिव बातें मत किया करें। आए दिन हमारे
अदालतों के खिलाफ बातें होती हैं, आर्मी के खिलाफ बातें होती हैं, तो पाकिस्तान की आवाम से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि खुदा रहा अपने मुल्क की गवर्नमेंट इदारों को बदनाम मत किया करें, नेगेटिव बातें मत करें, अच्छी बातें करें और हर किसी के बारे में अच्छी बात करें, अच्छा सोचें, क्योंकि आपके करने से ना बुरा हो सकता है ना अच्छा, करने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, तो आप कम से कम अच्छा सोचेंगे तो खुदा को तो पता है बंदा अच्छा सोच रहा है, तो अच्छा सोचेंगे अच्छा करेंगे तो अल्लाह आपको उसमें कामयाब करेगा। थैंक यू।